नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर आबू रोड से। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में आबू रोड सिरोही में चल रहे विशेष प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शुरुआत सर्वप्रथम सुबह 7 बजे ध्वज वंदन, वंदे मातरम व राष्ट्रगान के साथ हुई। आज प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कुल 6 सेशन हुए, जिनमें आने वाले गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई और मुखिया संगठक आदरणीय श्री लालजी देसाई जी ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल की तरफ से कुछ चयनित कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भेजा जाएगा और उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में चयन करके चुनावी प्रबंधन व बूथ मैनेजमेंट के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 1-2-3 से माउंट आबू के अंदर ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज दूसरा दिन है और कल 3 तारीख को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी समापन समारोह में आएंगे। ये प्रशिक्षण शिविर विशेष प्रशिक्षण शिविर इसलिए है कि पूरे भारत से 700 प्रशिक्षणार्थी जो पहले से प्रशिक्षित है उनका चयन हुआ है। चयन होकर उनको विशेष चुनाव प्रबंधन का यहाँ सत्र चल रहा है, चुनाव के बारे में उनको बताया जा रहा है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। बाद में उनको पूरे भारत के अंदर लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी लगाकर उनको विभिन्न राज्यों के अंदर, अभी गुजरात में चुनाव है तो गुजरात के अंदर भेजेंगे निश्चित रूप से और बाद में हिमाचल और जहाँ जहाँ भी विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उनमें उन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। क्या योजना रहेगी इनकी, किस तरह से यह विपक्ष का सामना करेंगे? अभी जो वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही है, आप और हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है कि ईडी से अखबार पे मार की जाती है और ईडी से बार को समर्थी रानी को माफ किया जाता है, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। और एक जो अखबार चल रहा था जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है उस अखबार की जांच करवाई जाती है, जिस प्रकार से इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, इसके लिए ये प्रशिक्षणार्थी तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षणार्थी हिंदुस्तानी सेवा दल ने आजादी से पहले भी ऐसे ही विचारों की लड़ाई लड़ी थी और आज इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को आवश्यकता है, इसलिए इन प्रशिक्षणार्थियों को तैयार करके इन तपस्वियों को पूरे भारत के अंदर विचारधारा की लड़ाई के लिए भेजा जाएगा। और चुनाव का अब समय ऐसा आ गया कि आजकल चुनाव प्रबंधन से भी जीता जाता है, तो इसलिए चुनाव की नई ट्रिक्स जो सिखाई जाएगी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भी आएंगे। आज रघु शर्मा जी गुजरात के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर जी भी आएंगे, तो वो भी यहाँ कुछ टिप्स देकर जाएंगे। और भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राजस्थान के, हमारे कुछ मंत्री वगैरह वो भी आ जाएंगे, वो भी हमें टिप्स देकर जाएंगे। और जो चुनाव में पारंगत है, जिन्होंने काफ़ी चुनाव लड़े हैं, जिनको चुनाव का मैनेजमेंट आता है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के जो नेता है उनके द्वारा सत्र लिए जा रहे हैं। उन सत्रों में ये एक नया, क्योंकि सेवा दल आज तक वैचारिक लड़ाई लड़ता आ रहा है, ये पहली बार है कि सेवा दल अब चुनाव के अंदर भी हम ये